सो हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक्निकल मेकर चैनल में और मैं आ गया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपने एक सब्सक्राइबर का स्पीकर दोबारा से रिपेयर करने वाले हैं, जो कि टोटली डेड स्पीकर है। आप सामने देख सकते हो, जैबरोनिक्स कंपनी का ये स्पीकर है। तो इसको हम रिपेयर करेंगे, रिस्टोर करेंगे और देखेंगे ये पूरा डेड क्यों हो रखा है। और जहाँ तक आप इसकी कंडीशन देखो तो इसके जो ऊपर का कवर होता है वो भी नहीं दिया है उस सब्सक्राइबर ने, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ था कहीं ना कहीं ये स्पीकर। तो उन्होंने बोला है ये पूरा डेड हो रखा है, तो इसको रिपेयर ऑन करना है, मतलब इसको चला के देना है। ओके गाइस, तो इसका मेरे पास, मतलब उनके पास भी कवर नहीं है, तो मेरे पास एक कवर पड़ा हुआ था इसके ऊपर का, तो इसमें एकदम फिट आ रहा है, तो यही हम इसमें लगा देंगे। ओके, जब तक के लिए हम इसे सबसे पहले तो ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये पूरा डेड क्यों हो रखा है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसको चार्ज पे लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका चार्जिंग पॉइंट है। ओके गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट ब्लिंक करनी चाहिए, वो ब्लिंक नहीं हो रही है अभी। सो गाइस, एक बार इसे खोलते हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है, ये टोटली डैमेज्ड क्यों है। सो आइए गाइस, ओपन करते हैं एंड हियर वी गो। सो गाइस, फाइनली हमने स्पीकर को तो ओपन कर लिया है, आप देख सकते हो, और जो उसकी कंडीशन है मॉड्यूल की इतनी बुरी नहीं है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। इसकी सर्विसिंग करते ही ये थोड़ा न्यू लगने लगेगा मॉड्यूल, और इसकी बैटरी भी जहाँ तक है इतनी ख़राब नहीं है। ये गाइस देख सकते हो 300 mAh की ये बैटरी है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3.7 वोल्टेज की, और बिल्कुल भी फूली हुई नई बैटरी है, ये एकदम बढ़िया बैटरी है, न्यू सी लग रही है बैटरी। थोड़ा क्लीन कर देंगे हम इसके मॉड्यूल, बैटरी। और गाइस, जहाँ तक स्पीकर का सवाल है, स्पीकर को हम निकाल लेते हैं। सो गाइस, इसको ना फेविक्विक से चिपका रखा है यहाँ पे, इसलिए इजीली नहीं निकल रहा है। सो गाइस, फाइनली हमने स्पीकर निकाल लिया है, और ये जो इतना सर्कल था उसको अच्छे से क्लीन कर दिया ताकि हम दूसरा स्पीकर लगा सके इसमें। और इसकी कंडीशन जो है अब तो बहुत ख़राब हो चुकी है, तो मेरे पास सेम इसी तरीके के स्पीकर पड़े हुए हैं, तो हम इसको हटा के वही स्पीकर लगाने वाले हैं इसके अंदर। तो गाइस, मैं थोड़ी देर में इसकी बॉडी को क्लीन करके आता हूँ, ये जो बॉडी है इसकी, ताकि थोड़ा अच्छा लगे पैकिंग के बाद। और हमारा जो ये था इसके ऊपर का कवर, इसको भी थोड़ा अच्छा करके लाता हूँ, वॉश करके आता हूँ मैं गाइस। इसको वॉशिंग के लिए मैं वॉशिंग पाउडर और वाटर लूँगा, वॉर्म वाटर। सो गाइस, आता हूँ 2 मिनट में। एंड फाइनली बॉडी क्लीन हो चुकी है, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया फ्रेश बॉडी लग रही है, पहले कितनी गंदी थी, और अब आप खुद ही जज कर सकते हो कि कितना बढ़िया वॉश हो चुका है, एकदम न्यू टाइप का। ओके गाइस, तो हमारी बॉडी का काम तो हो चुका है, इसको साइड रखते हैं। और जो गाइस स्पीकर मैं इसमें लगाने वाला हूँ वो है ये। गाइस, मैं एक इसमें बढ़िया स्पीकर लगाने के लिए एक चीज़ करूँगा कि मैं जो ये इसका साइड का एजेस है इसको इस तरीके से निकाल लूँगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं हम इस स्पीकर की जगह, जो कि एक लोकल स्पीकर है, एक बढ़िया सा ये स्पीकर लाएंगे, जो कि यूबॉन कंपनी का है, और इसका जो साउंड है एकदम बढ़िया है। ये 3 वॉट का स्पीकर है गाइस, और आप साउंड सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। आप इसका जो ये कैप है, आप कैप से ही इसकी क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। का स्पीकर है, 3 वॉट का स्पीकर है। ओके गाइस, तो इसको हम इधर सर्कल में इस तरीके से पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के लिए मैं फेविक्विक का यूज़ करूँगा गाइस। वीडियो फास्ट मोशन में चलेगी। ओके गाइस, हमने स्पीकर को तो पेस्ट कर दिया है। ओके, आप खुद देख सकते हो। सो गाइस, अब इसके मॉड्यूल पे वर्क कर लेते हैं, उसको जहाँ तक है मैं ठीक कर ही दूंगा, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन नहीं है, इसलिए मैंने स्पीकर को बढ़िया कर लिया है। ओके, तो इसको साइड रखते हैं, अब अपने मॉड्यूल और बैटरी के काम पर वापस आते हैं। तो गाइस, इसका जो स्पीकर है इसको हम निकाल देंगे। सो गाइस, इसके मॉड्यूल को सर्विसिंग देते हैं, उसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे, इसकी बैटरी को, मतलब इसके जो चार्जिंग जैक है इसमें बहुत सारी डस्टिंग लगी हुई है, डस्ट लगी हुई है, आप देख सकते हो, ये देखो गाइस, इसलिए मैं इसको थोड़ा सर्विस करता हूँ। उसके बाद इसकी चार्जिंग जैक की टेस्टिंग करेंगे, और चार्जिंग से ही बैटरी चार्ज होगी, तो उसके बाद पता लग जाएगा कि बैटरी ख़राब है या नहीं। ओके, जहाँ तक है मॉड्यूल एकदम बढ़िया है,
तो आइए इसकी सर्विसिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो फास्ट मोशन में चलेगी एंड हियर वी गो। सो गाइस, अब दोनों चीज़ों को थोड़ी देर सूखने देते हैं, उसके बाद आएंगे और फिर टेस्टिंग करेंगे। सो ओके गाइस, फाइनली मॉड्यूल और बैटरी जो है ड्राई हो चुकी है। तो आइए गाइस एक बार इसका मॉड्यूल टेस्ट कर लेते हैं चार्जिंग पॉइंट में लगा के चार्जर को, क्योंकि डिस्चार्ज होगी टोटली बैटरी, बहुत दिनों से ऑफ था स्पीकर। तो आइए एक बार चार्ज करके देखते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट हो चुकी है ऑन, और जहाँ तक है अगर स्पीकर लाएंगे तो स्पीकर भी चलने ही लगेगा। तो एक बार इसको ऑन करके देखते हैं। सो गाइस, ऑन की लाइट भी यहाँ हो चुकी है ऑन, आप देख सकते हो जो ऑन को इंडिकेट करती है वो एलईडी भी यहाँ पे ऑन हो चुकी है। ओके, ब्लू कलर की यहाँ पे जल रही है। सो गाइस, एक बार जल्दी से इसका स्पीकर सोल्ड कर देते हैं हम, ताकि पता लगे कि स्पीकर चल रहा है या नहीं। ओके, तो मैं इसे वापस निकालता हूँ। अगर ये बैटरी चार्ज हो रही होगी तो ये लाइट ब्लिंक करती रहेगी, तो मैं देखता हूँ। ओके गाइस, तो बैटरी भी चार्ज हो रही है जहाँ तक है, आप देख सकते हो बैटरी चार्ज हो गई है, इसलिए चार्ज से निकालने के बाद भी ये ऑन है। ओके, तो अब मैं ऑफ करता हूँ इसको भी। ओके, तो अब स्पीकर को करते हैं सोल्ड। सो गाइस, स्पीकर कर दिया हमने सोल्ड, तो आइए एक बार ऑन करते हैं अब स्पीकर, और ये ऑन। सो गाइस, ऑन हो चुका है हमारा स्पीकर फाइनली, आप सुन सकते हो गाइस। एकदम डेड स्पीकर था जिसको हमने कर दिया बढ़िया, और मैं गाइस स्पीकर की टेस्टिंग लास्ट में ही करके दिखाऊंगा। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर दें अभी प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए गाइस अब पैकिंग स्टार्ट करते हैं एंड हियर वी गो। सो गाइस, फाइनली हमने स्पीकर की फिटिंग तो कर दी है, थोड़ी गड़बड़ हो गई पर एकदम बढ़िया ही चलेगा स्पीकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए अब गाइस टोटली पैकिंग करते हैं एंड हियर वी गो। सो ओके गाइस, फाइनली हमारे स्पीकर की पैकिंग भी हो चुकी है। सो गाइस, क्यों ना आप टेस्टिंग कर ली जाए। सो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और शेयर कर देना टाइम मिले तो। गाइस आइए, आप फाइनली टेस्टिंग का टाइम आ चुका है एंड हियर वी गो। सो गाइस, ऑलरेडी मैंने इसको पेयर कर रखा है, मतलब अपने फ़ोन से जैसे ही मैं ब्लूटूथ ऑन करूंगा स्पीकर का, वैसे ही कनेक्ट हो जाएगा मेरे फ़ोन से जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ऑन करता हूं इसको। गाइस देखो लाइटिंग कितनी प्यारी लग रही है गाइस, मतलब एक सर्कल सा बना हुआ है एलईडी से, ब्लू एलईडी से, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। सो गाइस, ये कनेक्ट भी हो चुका है जैसा कि आपने सुना। ओके, तो अब आइए गाइस साउंड प्ले करते हैं। जो सो गाइस, एक बार इसकी फुल वॉल्यूम करते हैं, मैंने इसका कवर लगा दिया है, तो आइए फुल वॉल्यूम करते हैं। जो बेस है, जो स्पीकर हमने इसमें लगाया अपग्रेड किया है, वो स्पीकर को पूरा हिला दे रहा है। आप देख सकते हो किस तरीके से ड्रैग हो रहा है, खुद ही हिल रहा है ये गाइस। ये देखो गाइस, ये देखो जैसे ही किक हिट कर रही है वैसे ही ये स्पीकर भी हिल रहा है। ओके गाइस, ओके गाइस, फाइनली हमारे स्पीकर की पैकिंग एकदम परफेक्ट हो चुकी है, टेस्टिंग भी हो चुकी है गाइस। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, मैंने कैसे जैबरोनिक्स के डेड स्पीकर को एकदम न्यू टाइप का बना दिया है। सो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर देना टाइम मिले तो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।